एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिर्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही वेल नोन होम्योपैथिक मेडिसिन डैमियाना के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअल जो वेलनेस होती है उसको मेंटेन करती है, मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअल कमजोरी को दूर करती है। तो आज डिटेल में इसी के बारे में बताऊंगी कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इसको किस डोज में लेना होता है, इसके बारे में भी बात करूंगी। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, से आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन डैमियाना के बारे में। डैमियाना एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसका साइंटिफिक नेम टर्नेरिया डिफ्यूजा होता है। इसकी फैमिली होती है पैसिफ्लोरेसी और ये ज़्यादातर मैक्सिको में पाया जाता है। ये एक श्रब होता है, छोटा सा प्लांट होता है और इसके फ्लावर्स होते हैं, येलो कलर के होते हैं। इसमें फ्रूट्स भी आते हैं जो कि थिक की तरह टेस्ट करते हैं। जो पैथी में आफ्टर पोटेंटाइजेशन जब ये दवा बन के आई तो इसका क्या एक्शन देखने को मिला? इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एक्शन देखने को मिला मेल और फीमेल जेनाइटल्स पे। ज़्यादातर ये दवा यूज की जाती है या फिर मिसयूज की जाती है मेल्स के लिए। सिम्टम्स ना मैच होते हुए भी, कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी बहुत सारे लोग इसको कंज्यूम करते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो मैं इसको कंज्यूम कर लेता हूँ। पर ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसी दिक्कतें हैं जो मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, तभी आप इसको यूज कीजिएगा। सो इसका जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो वाइटैलिटी के लिए होता है। अगर आप में वाइटैलिटी कम है, आप में कमजोरी है, बहुत ज़्यादा थकावट बनी रहती है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, तो इस कंडीशन में आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। ये दवा जो होती है ज़्यादातर वाइटैलिटी इंक्रीज करने वाले जितने भी होम्योपैथिक पेटेंट मेडिसिन आती है उसमें इंक्लूडेड रहती है, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है, हमारी बॉडी में एनर्जी को रिस्टोर करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि फिजिकल कोई बीमारी हुई, कोई लंबे टाइम से बीमारी हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई चोट लगी, इस तरह की प्रॉब्लम के बाद आपको मेंटल इलनेसेस आने लगती है, मानसिक कमजोरी होने लगती है, इरिटेबिलिटी रहती है, बहुत बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, इस तरह की तकलीफों में भी इस दवा को उपयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि सेक्सुअल किस तरह की प्रॉब्लम्स में इसको यूज करते हैं, तो सेक्सुअल न्यूरास्थीनिया, न्यूरास्थीनिया का मतलब होता है कि नसों में कमजोरी। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी नसों में कमजोरी की वजह से आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसमें आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी आपको इंजरी हो गई नसों में, चोट लग गई, कोई भी आपका ऑपरेशन हुआ उसकी वजह से उसके बाद आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं कि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो रहे हैं, आपको इम्पोटेंस की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी रीज़न से अगर आपको इम्पोटेंस हो तो ऐसे में आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। आपको रीज़न ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि किस वजह से हुआ है। जनरली बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जिनमें रीज़न होता है कि एक्सेसिव मैस्टर्बेशन हुआ या फिर कोई इंजरी हुई उसके बाद आपको इम्पोटेंस डेवलप हुआ है, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से होता है इम्पोटेंस, तो उसमें डैमियाना बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा मेल्स में अगर क्रोनिक प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज है, बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम से आपको प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज होता रहता है और बहुत ज़्यादा अनॉइंग हो गया है, इसके साथ साथ प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज के साथ अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है, फ्रिक्वेंटली आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते रहते हैं, तो उसमें इस दवा का उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये दवा जो होती है महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही लिबिडो इंक्रीज करने का काम करती है, सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है उसको इंक्रीज करने का, उसको बढ़ाने का काम करती है। इसको एफ्रोडिसैक के तौर पे भी जाना जाता है। एफ्रोडिसैक्स वो स्पाइसेस, हर्ब्स या खाने की चीज़ें होती हैं, फूड आइटम्स होते हैं जो कि सेक्सुअल डिज़ायर को, लिबिडो को इंक्रीज करने का काम करते हैं। सो ये बहुत ही एंशियंट टाइम्स से एज एन एफ्रोडिसैक काम कर रहा है और बहुत ही इफ़ेक्टिवली मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, साथ ही सेक्सुअल जो डिज़ायर होती है उसको भी इंक्रीज करता है।
तो बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है। अगर आपको मानसिक, शारीरिक या फिर सेक्सुअल कमजोरी है, किसी भी लंबी बीमारी की वजह से, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, कहीं चोट लगने की वजह से, किसी नस में इंजरी होने की वजह से, अगर इन सारी वजहों से आपको इस तरह की कमजोरी महसूस हो रही है तो आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। बात करें फीमेल जेनिटल्स पे, तो मेल्स में तो अच्छा काम करती ही करती है, फीमेल्स में भी वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है, स्पेशली उन महिलाओं में जिनमें पीरियड जो होते हैं इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर पीरियड की वजह से कंसीव करने में दिक्कत आ रही है और ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कमजोरी महसूस होती है, या फिर आपको लिबिडो जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रखा है, सेक्सुअल डिजायर कोई नहीं रह गई है, तो ऐसे में इस दवा का उपयोग महिलाओं में भी किया जा सकता है और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट लेकर आता है। शारीरिक, मानसिक और सेक्सुअल हर तरह की कमजोरी को दूर करता है, आपके पीरियड को रेगुलर करेगा, नियमित पीरियड आएंगे तो इससे आपको कंसीव करने में आसानी होगी और आपकी जो कमजोरी हो रही है वो भी दूर होगी। अगर फीमेल फ्रिजिडिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि लो सेक्सुअल डिजायर है, लॉस ऑफ लिबिडो है, तो ऐसे में भी ये दवा बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। फ्रेंड्स, ये दोनों ही जेंडर्स पे, महिलाओं पर भी और पुरुषों पर भी बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेंस की मेडिसिन है, उनको ही लेना चाहिए, लेकिन आपको ओवरडोज नहीं करना है दवा का। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर इसको मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जाता है, 10 से 15 बूंद आधे कप पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। बच्चों को ये दवा बिल्कुल नहीं दी जाती है, एडल्ट्स के लिए है ये दवा। साथ ही साथ अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये दवा नहीं यूज करनी है। दवा जब भी आप लेते हैं तो दवा खाने से आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद कुछ भी उपयोग ना कीजिए, कुछ भी खाइए पीजिए नहीं, इससे दवा की एफिकेसी बढ़ जाएगी। साथ ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाली चीज़ें मत लीजिए दवा के साथ, जैसे कि कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, इससे दवा और अच्छे से काम कर पाती है। इसके अलावा दवा को अच्छे से स्टोर करके रखिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म, ना बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे रखिए, ना डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। तो इन सब चीज़ों का अगर आप पालन करते हुए दवा का इस्तेमाल करते हैं तो दवा बहुत अच्छे से काम करती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डैमियाना मदर टिंचर के बारे में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।